अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, वाय क्यों भाई? अगले की मर्जी है, कोई कुछ भी कह रहा है, अगर हमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा कि भारत में रहना है, मतलब कि अल्लाह अकबर कहना है या भारत में रहना है फलाना वर्ड कहना है, क्यों भाई? सभी को हक है। अगर कोई मुस्लिम भाई होगा उसको बोलेंगे पाकिस्तानी है, सिख होगा खालिस्तानी है, ये क्या वर्ड यूज हो रहा है? तो इससे नफरत बढ़ती है। वेस्ट बंगाल से एक वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर एक टर्बन पहने हुए आईपीएस ऑफिसर को जो है खालिस्तानी कर बीजेपी के कुछ लीडर के द्वारा जो है घोषित किया जाता है, और उसपे काफी ज्यादा हीटेड कॉन्वर्जेशन जो है दोनों के बीच में होती है। और ये मुद्दा जो है अभी काफी गर्माया हुआ है, क्योंकि जो सिख कम्युनिटी है वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा नाराज है कि क्यों, अगर हमने टर्बन पहनी है तो क्यों हमें खालिस्तानी जो है वो घोषित किया जाता है, और कब तक जो है इस तरीके की धर्म पर जो है राजनीति जो है बीजेपी जो है करती रहेगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो कल वाकया हुआ है, इसे किस तरीके से देखते हैं और कितना बुरा लगता है कि जब आपको, मतलब आपने टर्बन पहनी है तो आपको एकदम से खालिस्तानी करके घोषित कर दिया जाता है? पहले तो बड़ा शुक्रिया आपको ये मुद्दा उठाने के लिए। और ये जो वीडियो है अभी पूरे भारत में वायरल हो रही है, इसको वायरल किया है पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पे, वहाँ से फिर वीडियो ये वायरल हुआ है। और सबसे पहले वो जो आईपीएस ऑफिसर है सरदार जी, मैं उनकी हिम्मत को दाद देना चाहता हूँ, ठीक है? इस तरह के ऑफिसर की ज़रूरत है जो कि सीधा काउंटर अटैक कर दें ऐसे लोगों के ऊपर, जैसे उन्होंने जैसे पूरा प्रेशर से बड़े भी क्यों बोला, कैसे बोला, मेरे को क्यों खालिस्तानी बोला, ये बात मुझे उनकी बड़ी पसंद आई है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप के धर्म के प्रति कोई आपको बोलता है तो उसका काउंटर ऐसे ही करना है, डरना नहीं है। देखो जो डर गया वो मर गया। ये लोग प्रेशराइज करते हैं डराने के लिए, ये कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये देश हमारा है, ठीक है ना? ये देश हिंदू का भी उतना है, मुसलमान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, ये देश बराबर है, संविधान में लिखा हुआ है, ये जो देश है सभी के लिए बराबर है। पर कुछ लोग जान बूझ के ये मुद्दा उठाते हैं, ये बताना चाहते हैं कि नहीं जी ये देश हमारा है तुम्हारा नहीं है। इससे क्या होता है, जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं ना, इससे मिलिटेंसी बढ़ती है, नफरत बढ़ती है। मैं तो चाहता हूं कि सरकार को ऐसा कानून लाए इन लोगों को इमीडिएट अरेस्ट करना। मैंने देखा अरेस्ट होते नहीं है, आपने देखा जम्मू में भी कई बार ऐसे चलता है, अभी एफआईआर लगी है जम्मू में भी, बोलते हैं कि अगर यहां रहना है तो फलाना फलानी चीज कहना है। मैं नाम भी बोल देता हूं, अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, वाय क्यों भाई? अगले की मर्जी है, कोई कुछ भी कह रहा है, अगर हमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा कि भारत में रहना है, मतलब कि अल्लाह अकबर कहना है या भारत में रहना है फलाना वर्ड कहना है, क्यों भाई? सभी को हक है अपनी मर्जी, कोई कहे या ना कहे वो उसकी मर्जी है। ये भी उसी तरह की बात है, ये भी मानसिकता उसी तरह की है। सिख भाई देखो बॉर्डर पर जब सिख भाई लड़ते हैं सबसे आगे, वहां नहीं बोलते हैं, ठीक है ना? जो आईपीएस ऑफिसर को इन्होंने बोला है ना, उन्होंने देखा नहीं वर्दी डाली हुई, स्टार लगा हुआ है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं। देखो उन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है, अभी कैसे लोगों को बोल रहे हो जो देश की रक्षा कर रहे हो, अब उनको बोलना शुरू कर दिया भाई? ये मुझे अच्छा नहीं लगा है। और मैं भारत सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि उन लोगों के खिलाफ कानून निकाला जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कोई मुस्लिम भाई होगा उसको बोलेंगे पाकिस्तानी है, सिख होगा खालिस्तानी है, ये क्या वर्ड यूज हो रहा है? तो इससे नफरत बढ़ती है, मिलिटेंसी बढ़ती है। आप दूसरे को कह रहे हो तू इस देश का ही नहीं है, वो बंदा सोचा देश का नहीं हूं फिर मैं देश के खिलाफ काम करूंगा, वो उसको ये उसको उसको बोला जाता है कि यार तू देश का है ही नहीं। बंदा कहता है मैं देश का है नहीं, क्यों ना मैं देश के खिलाफ काम करूं? अगर ये लोग कह रहे हैं देश मेरा नहीं है, फिर करप्शन बढ़ती है, बेईमानी बढ़ती है, लोग बोलते जाए बंदूक ही उठा लो, मिलिटेंट बन जाओ, ये लोग जो है हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बातें ठीक नहीं है, सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। जी भारत की बात करें तो भारत जो है एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, और इसे गुलदस्ते का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें एक हर एक रिलीजन है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें कई ज्यादा रिलीजन जो है पाए जाते हैं, और ये इसकी खूबसूरती है। लेकिन जब इस तरीके से धर्म पे राजनीति होती है तो आपको नहीं लगता कि कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है? देखो डेमोक्रेसी जो है ना मेरे ख्याल में खत्म हो रही है। आपने देखा कि कल की एक वीडियो वायरल हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने कहा है कि जो एक इलेक्शन हुआ था मेयर का चंडीगढ़ में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उस बंदे को सख्त से सख्त सजा की दी जाए। अभी मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, देखो डेमोक्रेसी मेरे ख्याल में खत्म। और सीसीटीवी के सामने बंदा वो मार कर रहा है, 8 वोट काट रहा है, शुक्र करो कि सुप्रीम कोर्ट के कारण हमारी डेमोक्रेसी बची हुई है।
अगर सुप्रीम कोर्ट तक वो वीडियो ना पहुंचती, वो तो दूसरा मेयर बन गया था इलीगली। शुक्र है कि अभी सुप्रीम कोर्ट इतने प्रेशर में नहीं आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा काम किया है, उन्होंने आम आदमी पार्टी के बंदे को उन्होंने वहां पे नियुक्त किया है, मेयर को नियुक्त किया हुआ है। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला है, और इससे डेमोक्रेसी को बचाया है। और हम भारत के लोगों को कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं, सारे लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, कुछ शरारती लोग हैं जिनके अंदर दिमाग में गंद भरा हुआ है, वो गंद बाहर आता है ना। तो बड़े मैं तो लोगों से बोला, बड़े प्यार से आराम से उनका काउंटर करना चाहिए और अपनी आवाज को उजागर भी करना चाहिए। जी सिक्योरिटी की बात करें तो कुछ भी मतलब कोई भी बैटल फील्ड हो, कुछ भी हो, तो या फिर हम बॉर्डर्स की बात कर लें, LOCs की बात कर लें, तो हमेशा जो सिख भाई हैं वो फोर फ्रंट पे होते हैं, मतलब अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। और बहुत से ऐसे शूरवीर जो है सिख कम्युनिटी में पैदा हुए जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो आपको नहीं लगता कि जब इस तरीके की चीज़ें जब निकल कर सामने आती है तो बहुत ज़्यादा हर्ट जो है आपके सेंटिमेंट्स होते हैं? देखो हर्ट तो हो गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बलिदान सिख कम्युनिटी दिया है, 2% है सिख पूरे भारत में, और बलिदान सबसे ज्यादा, शहीदियां सबसे ज्यादा, और उन लोगों को ये कह रहे हो। पर फिर मैं बोलता हूं, जंगल में शेर कम होते हैं, ये सिख कम्युनिटी शेरों की तरह है, बॉर्डर पे सबसे आगे। चाइना के बॉर्डर पे आपने देखा था पीछे कैसे काउंटर किया चाइनीज को उन्होंने, कहीं भी लड़ाई हो जाए सिख कम्युनिटी बड़ी जल्दी आगे आती है। पर ये कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। बॉल में हुआ है जहां पर एक IPS ऑफिसर को जो है खालिस्तानी कह के एड्रेस किया गया है, उस पर काफी ज्यादा रोज जो है सिख कम्युनिटी में, और यही कहा जा रहा है कि कब ये धर्म पर राजनीति होना जो है हमारे देश में बंद होगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।